फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, गांव के बीच की बात है और दिन दोपहरी की बात है। आप लगा लो जीना मुश्किल हो रखा है गांव के लोगों का, और देख सकते हैं आप ये देखिए। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। और सुबह के बज रहे 9:30 और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ मैं 9:30 बजे से। क्या चाहिए बेटा? कुछ क्या देना है? ये कह रहे मुझे कुछ चाहिए। नाश्ता तैयार हो चुका है बट अभी खाया नहीं हमने। हाँ, गोदू ले रही हूँ बेटा और आ रहा के लिए टीवी। नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। आज बना रखे मैंने प्याज के पत्ते और ये सब्जी वब्जी लेके आ गए, फ्रूट्स वगैरह। पूरा किचन अभी बिखरा पड़ा हुआ है और आज भी इधर किचन में थोड़ा सा ये लग। ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। हमारा ब्रेकफास्ट हुआ डन एंड अब आज हमारे किचन का हो रहा है मेकओवर। किचन को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, ये स्टैंड लगा रहे हैं ऊपर। आज छुट्टी है तो मैंने कहा काम कर दो भाई पहले। आपसे क्या करे दोनों काम कर रहे हैं, आप भी करोगे? दोनों को काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम दोनों। काम मत करो, आप भी करोगे? अरे छोड़ो, काम मत करो। अरे बहुत ऊंच जाओ भारी चे ना पता नहीं ट्रेन आगे लगा रहा है। यहाँ पे स्टैंड लग तो गया है बट ये मुझे कह रहे थे कि ठीक से नहीं लगा क्योंकि वो टेढ़ा हो चुका था। तो कह रहे वो जिस दिन यहाँ पे होल किया उस दिन देखा क्यों नहीं, देखने वाली मैं ही थी। तो इनको गुस्सा आ गया, कह रहे कि यार क्यों ना उस दिन देखा क्यों नहीं, वो टेढ़ा बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, काम चलाओ सही है कुछ वो रखने के लिए, डिब्बे उब्बे रखने के लिए, बट थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, पर कोई नहीं। वीकेंड पे हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं बट बहुत तेज़ धूप थी आ रही की वजह से, इसलिए हम कहीं बाहर गए नहीं घूमने के लिए। सो नाना दोना भी हो गया है और घर के हो गए सारे काम कंप्लीट। और किचन का थोड़ा सा आज मैंने किचन के कुछ स्टैंड लगाए। किचन दिखाती हूँ मैं आपको अपना, लाइट ऑन करती हूँ। ये एक स्टैंड मैंने इधर लगा लिया है, इधर कुछ डिब्बे उब्बे रखने के लिए। और एक इधर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है और एक मैंने इधर लगा लिया है और इधर सेट कर लिया है अच्छे से, क्योंकि आज सैटरडे है, इनका ऑफ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये अकेले में नहीं हो पाता ना, तो ये सारा आज थोड़ा किचन का सेट किया। और मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर रही हूँ, मैंने कर ली थी शॉपिंग आर्य के लिए और अपने लिए, हम दोनों का प्लान था। इन्होंने कहा बाई ईयर का करते हैं दोनों का, मेरे चाचा की बेटी की शादी है अभी 2-3 दिन बाद। तो हमने थोड़ा बहुत मैं थी और 2-3 साड़ियाँ ले रखी थी क्योंकि शादी है, तो मैं गांव जा रही थी मायके में, जो मेरा गांव वाला मायका है नैनी डाणा। तो आपने देखा होगा बाघ का कितना आतंक फैला हुआ है आजकल उत्तराखंड में, और मेरे यहाँ पे नैनी डाणा में देखा होगा आपने 2-3 लोगों को तो वहाँ पर बाघ ने मार ही दिया। तो इस वजह से मैं वहाँ पर मतलब यार शॉपिंग भी हो गई थी पूरा, मतलब इन्होंने पूरा कन्फर्म कर दिया था जाने का, ऐसा हो गया था कि हाँ जाना है, 1-2 दिन बाद जाना है। 2-3 दिन में चाचा की बेटी की शादी है और सब वेट कर रहे हैं, सब ने बोला कि आना है। तो मैंने भी यहाँ से बोल दिया था कि हाँ अरे यहाँ तक शॉपिंग भी कर ली थी बट यहाँ पे बाघ का मतलब इतना डर उत्तराखंड में बता भी नहीं सकती। मतलब मैं आप लोगों को 1-2 क्लिप
डालूंगी मैं यहाँ पे, देख लेना। बाघ का इतना डर हो रखा है वहाँ पे, दो लोगों को तो बाघ ने मतलब ऐसे ही मार दिया दिन दोपहर। और गायों गाय बच्चों का तो कोई मतलब बात ही नहीं है यार, डर के मारे हालत इतनी ख़राब हो रही है, सोच सोच के मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया, पता है मैंने कैंसिल कर दिया प्लान। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, आरू ऐसे ही आरू है मेरे साथ, आरू को सेकेंड टाइम पर लेके जा रही थी मैं वहाँ पर। और भैया भाभी सब वेट कर रहे थे कि अभी दो तीन दिन पहले की बात है, वीडियो देखी थी एक हल्दू खाल में, जानने वाले कोई टीचर थे हमारे, मतलब जानने वाले थे, मेरे पापा के भी दोस्त थे वो, और मेरे भैया को तो उन्होंने पढ़ा भी रखा है। तो मैंने न्यूज़पेपर ऐसे ही फेसबुक ओपन किया, तो फेसबुक पे देखा ऐसे मतलब यार न्यूज़पेपर में एक कटिंग डाली थी किसी ने, तो मुझे लगा पहले शायद ऐसी है, मैं पहचान नहीं रही। फिर पापा का फोन आया दिन में, हाँ कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने देखा यार मतलब इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा बाघ दिन दोपहर है, वो भी जानने वाले किसी मतलब ऐसे जानने वाले को ऐसे वो किया ना, तो यार दिमाग में वही चल रहा है कि कैसे उनको बाघ ने, वो भी दिन में पता है अपने गार्डन में जा रखे थे, ऐसे आजकल आम वाम नहीं आते तो वहाँ पे जा रखे थे वो, दिन की बात है हाँ, दिन में बाघ ने उनको मार दिया, पता है पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना हिस्सा बचा हुआ था उनका सारी सारी, इसलिए पहचान हुई, पूरी बॉडी खा रखी थी बाघ ने। दिमाग में वही चल रहा है कि यार बाघ मतलब हमारे उत्तराखंड में इतना शासन प्रशासन सब चुप है, कुछ नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, तो यार दिन दोपहर ही अटैक कर रहा है बाघ, रात का क्या करना है आप ही बताओ। तो हमारा तो हुआ प्लान कैंसिल, शॉपिंग ऐसी की ऐसी रह गई, क्या बताएं, इतना अजीब लग रहा है ना, सब होंगे शादी में, चाची की बेटियां आ रखी है, सब आ रखे शादी में, सोच सोच के इतना बुरा लग रहा है यार, मैंने कहा काश मैं भी जा पाता। ये देखिए एक क्लिप शेयर कर रही हूं मैं आप लोगों को, दिन दोपहर ही देखो बाघ कैसे अटैक कर रहा हूं, तो ये देखिए गिर भी गया, दौड़ भी समझ रहा मैं, बस उग गए मेरे बोला था ना तू छोटे को पकड़ेगा, ओ पीछे क्या गया, मार दे तो बैल से भाग गयो। दिन की बात है और गांव के बीच की बात है, ऐसा भी नहीं कि जो जंगल होगा, गांव के बीच की बात है। ये देखो जो खेत में और दिन में अटैक कर रहा है बाघ गाय बच्चों पे, तो रात का तो क्या हाल है, फिर बोलना ही मुश्किल है। इतना कुछ नहीं, लेकिन जो लोग गांव में बेचारे गाय है बच्ची है, मतलब गांव में कितना सारा काम होता है यार, खेतों का होता है, गाय बच्चों के लिए घास लेके आना होता है, पानी नलों पे जैसे पनेरे में जाना पड़ता है, कितना मुश्किल हो रखा है, जीना मुश्किल हो रखा है गांव वालों का, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा यार, मतलब उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा कि यार कितना फेस कर रहे हैं वो लोग, मतलब बाघ का इतना आतंक हो रखा है, कोई नहीं समझ रहा इस चीज़ को। और हम लोग इतनी दूर है जैसे बाहर है, तो यार सोच सोच के मतलब डर लग रही है, जैसे न्यूज़ पढ़ रहे हैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो डर लग रही है, अब उन लोगों के क्या हाल होंगे जो गाँव में है। टॉपिक यही था और अब टाइम हो गया 1:15 हो गया, तो अब दिन का लंच वंच की तैयारी करेंगे। और मैंने कल ये चेयर के लिए मेरा बेडशीट फटा हुआ था, उसका बना दिया मैंने चेयर के लिए कवर, और कल मैं इसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी बट ठीक से हो नहीं पाया, देख सकते हैं। इसके लिए मैंने छोटे छोटे फ्लावर पॉट मंगा रखे हैं, तो जैसे आ जाएंगे दिखाऊंगी आपको इसको, मैं इस एरिया को मैं डेकोरेट करूँगी बहुत अच्छे से। और यहाँ पर उस दिन आपने देखा होगा मेरा DIY, और इधर मैंने आरू की फ़ोटोज़ थी वो मैंने इधर लगा दी, मंथली बर्थडे वाले ये देखिए इधर सेट। मैं लंच वंच किया और उसके बाद हम लोग सो गए थे, और जस्ट अभी नींद खुली मेरे, बताने क्यों आजकल इतनी नींद आ रही है। और अब जा रहे हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड, तो मिलते हैं आपको कॉम्प्लेक्स में, आरू और उसके डैडी चले गए। कॉम्प्लेक्स और टुन्नू क्या खा रही है, आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम। कॉम्प्लेक्स से आ गए और यहाँ पे प्लेग्राउंड पड़ता रास्ते में, तो आरू कह रही है मेरे को झूला झूलना है। ये मेमोरीज हमेशा साथ रहेगी, आरू जब बड़ी हो जाएगी तो देखेगी ये सब तो कितना अच्छा लगेगा उसे।
यस हाँ जी क्या कर रहे हो बेटा झूला झूल रहे हो ये झूला थोड़ी मजा आ रहा है वेरी गुड अब ले पाया लगी तो नहीं आपको अरे मम्मा आपका भी मन कर रहा होगा आप भी झूला झूलो ये होती बेटियां ऐसी होती बेटी आपको चक्कर आ रहे हैं मेरे को चक्कर नहीं आ रहे बेटा आपको आ रहे हैं ओके झूलो जाओ और साथ में पूछ भी रही है मम्मा आपको चक्कर तो नहीं आ रहे तुमने घर जाना है बेटा अब डैडी बुला रहे हैं ना साइकिल कहाँ है पता नहीं कौन लेके चला गया साइकिल साइकिल कौन लेके आपके बैठो आप चलो मैं चली जाऊं आ जाओगे अकेले आ जाओगे आप अकेले मैं जाऊं घर तो आ गए हम लोग अभी घर जस्ट और अब करेंगे डिनर की तैयारी देखता है डिनर में क्या बनेगा और डिनर में आज मैं बना रही हूँ जो बड़ी मैंने आज रेसिपी भी शेयर कर रखी है आप लोगों को लौकी और मूंग दाल की बड़ी और उसके साथ में प्याज और इधर मैंने टमाटर का पेस्ट बना रखा और एक आलू भी डालूंगी तो चलो डिनर रेडी करते हैं डिनर भी बन के रेडी हो गया और सब्जी देखिए मेरी बड़ी वाली सब्जी लौकी बड़ी वाली सब्जी तो अब कर रहे हैं डिनर आ जाओ क्या मैं चलो डिनर करते हैं मैं कर रही तो आज का ब्लॉग इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय